हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्योटो टेक। आज में दो दो चाबियां, साथ में दो दो गाड़ियां, और आपके लिए है एक अनोखा कंपैरिजन। दो ऐसी गाड़ियों का जिसकी आपकी बहुत डिमांड थी कि इन गाड़ियों का कंपैरिजन होना चाहिए। और मैं अगर बताऊं तो दोनों ही गाड़ियां अपनी अपनी जगह पे चीज़ों को जस्टिफाई करती हैं, और दोनों गाड़ियाँ एक ही मतलब एक थोड़ा बड़े सेगमेंट में आ जाती है जो हाई राइडर है, और एक उससे नीचे वाले सेगमेंट में आ जाती है जो अपनी ब्रेजा है। तो आगे आ जाता जो ब्रेजा है उसमें आपको 1.5 लीटर का K15C का इंजन मिल जाता है, और जो हाई राइडर है उसमें भी आपको सेम 1.5 लीटर का K15C का इंजन मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें स्मार्ट हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसको टोयोटा ने नाम दिया है नियो ड्राइव का। ये ई मॉडल है, ई नियो ड्राइव टोयोटा हाइब्रिड, और ये VXI स्मार्ट हाइब्रिड ब्रेजा है। अगर हम दोनों गाड़ियों की बात करें तो ये अपना बेस मॉडल आ जाता है, और ये अपनी सेकंड बेस मॉडल आ जाता है। अगर हम दोनों गाड़ियों की प्राइसेस की बात करें तो उसका एक्स शोरूम प्राइस है 10.86 लाख रुपये एक्स शोरूम। वहीं अगर मैं अपनी ब्रेजा की बात करूं तो ब्रेजा का एक्स शोरूम प्राइस है 9.34 लाख रुपीस एक्स शोरूम। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो लगभग 1 लाख से ऊपर का फ़र्क आपको इन गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। बट अब मैं फीचर्स बताऊंगा आपको, फीचर्स दिखाऊंगा गाड़ियों के दोनों के, जब आप खुद बताना कि आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। पहले मैं हाई राइडर की बात कर लेता हूँ, तो हाई राइडर में आपको लेंथ ज़्यादा मिल जाती है गाड़ी में, मिलता है। अगर मैं लेंथ आपको गाड़ी की इतनी मिल जाती है। दूसरा अगर मैं डिफरेंस बताऊँ तो आपको इस गाड़ी में R17 इंचिस के अपने टायर्स मिल जाते हैं, जबकि ब्रेजा में हमें R16 इंचिस के टायर्स मिलते हैं। तो एक साइज छोटा हमें ब्रेजा में टायर मिलता है, बट हाई राइडर में हमें 17 इंच का टायर मिलता है। दूसरी बात करूँ तो की आ जाती है। टोयोटा हाई राइडर में हमें रिमोट की मिलती है, बट ब्रेजा में हमें सिंपल जो की आती है इनकी, जो एक मारुति सुजुकी की सदाबहार की होती है जो सब गाड़ियों में देते हैं, वही की हमें मिलती है। दोनों कीज़ में दो दो फंक्शन है लॉक अनलॉक का। अगर हम आगे बात करें तो VXI मॉडल में ब्रेजा में हमें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तीसरा डिफरेंस बताऊँ। और तीसरा डिफरेंस ये है कि इस गाड़ी में हमें अंदर से दिखाऊँ तो मैं आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको ड्राइविंग की थोड़ी बहुत जानकारियाँ मिल जाती हैं, जैसे आपकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और टोटल फ्यूल इकोनॉमी का पता चल जाता है आपको। प्लस आपको एक एवरेज साउंड सिस्टम मिल जाता है इस गाड़ी में, हमें 4 स्पीकर्स मिलते हैं और एक 8 इंच की हमने स्क्रीन मिल जाती है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस हो चुका है जो कि हमें टोयोटा हाइराइडर में कोई भी साउंड सिस्टम नहीं मिलता है, वो गाड़ी बिल्कुल खाली मिलती है हमें। तो मैं आगे बात करूँ तो आपको चौथे डिफरेंस की बता दूँ तो जो अपने को बूट स्पेस है वो टोयोटा हाइराइडर में ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि उसकी लेंथ बड़ी है, तो उसमें एब्सोल्युटली ब्रेजा से ज़्यादा बूट स्पेस हमें मिल जाता है। अगर हम अगले चीज़ की बात करें तो जो आपकी MID के जो सारे सिस्टम है, कंट्रोल्स है, वो हमें टोयोटा हाइराइडर में ज़्यादा मिलते हैं, और ब्रेजा में हमें सिंपल MID मिलती है जो कि ओनली वाइटिश कलर ही शो करती है, बट वो मल्टी कलर आपको डिजिटल इन्फो MID मिल जाती है। तो 4 डिफरेंसेस हो चुके हैं आपके। पांचवी बात करें तो हम ऑटो ऑन ऑफ दोनों गाड़ियों में आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी दोनों गाड़ियों में आता है, ऑल 4 पावर विंडोज़ भी दोनों गाड़ियों में आती हैं। बट अगर मैं बात करूं तो आपको हेडलैम्प्स भी दोनों गाड़ियों में, प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से कि पीछे वाली सीट्स का जो कम्फर्ट है वो टोयोटा हाइराइडर का अच्छा है, क्योंकि वो उसमें लेंथ ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा हमें कंफर्ट अच्छा मिलता है। और बेस मॉडल में ही उस गाड़ी में हमें क्रोम का जो लॉक के अनलॉक के हैंडल्स होते हैं मिल जाते हैं, प्लस जो हमने ब्रेजा है इसमें हमें सिंपल ब्लैक कलर के ही जो हैंडल्स हैं वो मिलते हैं। ORVM दोनों ही गाड़ियों में अपने को फोल्डेबल मिल जाते हैं। तो ये कुछ सबसे जो मतलब
जो शार्क फिन एंटीना भी दोनों गाड़ियों में मिल जाता है हमें, और डिफोगर्स भी दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। तो सबसे जो मेन जो डिफरेंसेस थे मैंने आपको तीन चार शुरू शुरू में बता दिए हैं कि एक तो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन ब्रेजा में नहीं मिलता हमें, और टोयोटा हाईराइडर में हमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है। तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और दूसरी बात की हाईराइडर की है, माइलेज टोयोटा ने क्लेम की है 21.19 किलोमीटर पर लीटर, और ब्रेजा की कंपनी ने क्लेम की है 20 लीटर पर लीटर की, 20 किलोमीटर पर लीटर की। दूसरी बात ये गाइस की जैसे बताना चाहूँगा आपको, जो अब ब्रेजा में जैसे स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ख़त्म कर दी गई है, बट टोयोटा हाईराइडर में अभी भी माइल्ड हाइब्रिड अपना आता है ई नियो ड्राइव करके। तो अब ब्रेजा में ये जो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है इसको हटा दिया गया है, बट प्राइसेस सेम रखे गए हैं। तो मेरे हिसाब से अब जो कंपटीशन है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं जो 1 लाख रुपए की जो बचत करके हमें गाड़ी में स्मार्ट हाइब्रिड मिल रहा था वो भी ख़त्म हो चुका है, उतने ही प्राइसेस में हमें सिंपल ब्रेजा मिल रही है। तो मेरे हिसाब से आपको टोयोटा हाईराइडर की तरफ जाना चाहिए अगर आप VXi मॉडल लेना चाहते हो ब्रेजा का, या ZXi लेना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से आपको एक बार टोयोटा हाईराइडर कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू, आज की वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइव वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लव यू ऑल, ऐसे ही वीडियोस को देखते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो। धन्यवाद।